नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं प्राइम टाइम में राज शर्मा आपके साथ। इस वक्त देश और दुनिया के हालचाल जान लेते हैं, बड़ी खबरों पर की और चर्चा करते हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, गरीबों के मसीहा सोनू सूद को हुआ कोरोना। लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत, चारा घोटाले में काट रहे थे सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महामंडलेश्वर अवधेशानंद से अपील, कुंभ को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से रखा जाए। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को मिली जमानत। बंगाल में पांचवें चरण के मतदान जारी। दिल्ली में लग सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आपातकालीन बैठक। आईपीएल के 90वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। देश और दुनिया की अहम खबरों को अब विस्तार से जानेंगे। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा भयावह नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि देश में एक दिन में रिकॉर्ड 2,33,751 केस सामने आए और 1,338 लोगों ने इस संक्रमण से दम तोड़ दिया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सारी सावधानियां बरतते हुए भी मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना के बढ़ते कहर में आप सभी देशवासियों की मदद करने के लिए कटिबद्ध हूँ। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी। 3.5 साल से जेल में बंद लालू प्रसाद के अब बाहर आने का रास्ता साफ हो पाया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को सशर्त 1,00,000 मुचलके पर और देश से बाहर न जाने की शर्त पर जमानत दे दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ स्नान को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि अब दो शाही स्नान हो चुके हैं, इसे अब प्रतीकात्मक रूप से ही रखा जाए। इसके लिए मोदी ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद से फ़ोन पर बात की और संक्रमित साधुओं का हाल जाना, साथ ही महामंडलेश्वर से कुंभ को प्रतीकात्मक जारी रखने का आह्वान भी किया। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा फैलाने और धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दीप को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को जमा कराने की शर्त पर जमानत दी है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी हैं। आज 5वें चरण के तहत राज्य में 45 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। बूथ से 200 मीटर के दायरे में लगभग धारा 144 लगा दी गई है। इन सीटों पर कुल 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ये सीटें उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान, नादिया, जलपाईगुड़ू, दार्जिलिंग और कालिम्योंग जैसे जिलों की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारी मतदान करने की जनता से अपील की है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। केजरीवाल सरकार ने नए ऐलान के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। शुक्रवार रात 10 बजे से लागू हुआ ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहने वाला है। इसी बीच आज केजरीवाल ने आपातकालीन बैठक बुलाते हुए कहा कि जल्द ही लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। आईपीएल के 14वें सीजन के 90वें मैच में शनिवार को चेन्नई में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सनराइजर्स की टीम मजबूत मुंबई को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। लगातार 2 मैच हारने की वजह से हैदराबाद टीम पर दबाव रहेगा। चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम पर यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली हैदराबाद टीम हिटमैन रोहित शर्मा की टीम को हर हाल में हराना चाहेगी। फिलहाल हराना तो हम कोरोना को चाहते हैं। अगर हम सभी देशवासी ये प्रयास करें, लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार मास्क लगाकर रखें, मास्क को ना उतारें और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, तो यकीनन हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे और उसे हरा देंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ।